हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ MGPE 08 का प्रश्न पत्र। जी हाँ दोस्तों, सत्रीय कार्य जुलाई 2017 और जनवरी 2018 के दोनों ही सत्रों के लिए यह प्रश्न पत्र वैध है। दोस्तों, अभी इग्नू विश्वविद्यालय द्वारा दिए गए कुछ निर्देश, आप चाहें तो वीडियो रोक के इन्हें पढ़ सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको अपने असाइनमेंट्स जमा करने की अंतिम तिथि भी लिखी गई है। जैसा आप देख सकते हैं, जुलाई 2017 के लिए 31 मार्च और जनवरी 2018 के लिए 30 सितंबर। दोस्तों, इसके बाद में अभी आपके सामने प्रश्न पत्र, शांति और संघर्ष समाधान का गांधीवादी दृष्टिकोण। दोस्तों, यहां पर आपको प्रश्न पत्र के दो भाग दिए गए हैं, भाग एक भाग दो, दोनों में 5-5 प्रश्न दिए गए हैं। आपको कुल 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आप चाहें तो किसी भी भाग से 2 और किसी भी भाग से 3 प्रश्नों के उत्तर देकर अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, भाग एक और भाग दो दोनों में ही कुल 10 प्रश्न दिए गए हैं। दोस्तों, आप रेफरेंस बुक्स के लिए यहाँ पर ऑर्डर करके ख़रीद सकते हैं। आपको डिस्काउंट रेट में यहाँ पर बुक अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उसे क्लिक करके बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे सभी प्रश्नों के उत्तर जैसा कि मुझे लगा उस तरीके से मैंने इनको आसान भाषा में लिखने की कोशिश की है। दोस्तों, अगर आपको ये पसंद आए वीडियो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए समय समय पर इस प्रकार के शिक्षा से संबंधित वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर यहां पर काफ़ी आसान भाषा में और साफ साफ लिखे गए हैं और सभी पेज के टॉप में उसके पेज नंबर लिखे गए हैं। मेरे कुछ दोस्तों की शिकायत थी कि सर पेज नंबर ज़रूर लिखिए, काफ़ी बार कुछ कन्फ्यूज़न होता है, इसके लिए सभी पेज में पेज नंबर लिखा गया है। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, हो सकता है कि ये वीडियो आपको क्लियर प्ले नहीं हो रही होगी, तो आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। काफ़ी बार नेटवर्क की वजह से वीडियो प्ले होने में प्रॉब्लम होती है, उसके लिए आप इस वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों, डाउनलोड करने के लिए दो तरीके हैं, आप चाहें तो यहाँ यूट्यूब में ही ऑफलाइन डाउनलोड कर सकते हैं या फिर ट्यूबमेट के ज़रिए इसे अपने गैलरी में सेव कर सकते हैं। दोस्तों, आप जैसा कि देख रहे हैं, मैंने भाग एक से 2 ही प्रश्नों के उत्तर लिखे हैं, प्रश्न एक और प्रश्न 5। ऐसे ही आप चाहें तो किसी अलग प्रश्नों के भी उत्तर लिख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने में तकलीफ़ होती है तो आप यहां से मैंने जो उत्तर लिखे हैं उनको कॉपी भी कर सकते हैं। आप इनकी नकल करके भी अपना सत्रीय कार्य पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा आपकी कुछ फरमाइश हो, कुछ अलग सत्रीय कार्य जो कि आपको चाहिए हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी दिया गया है, आप मुझसे वहां पे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, इसके पीडीएफ के लिए भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, काफ़ी मेहनत करके मैंने ये सत्रीय कार्य लिखने की कोशिश की है। अगर आपको ये मेरी मेहनत पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं शिक्षा से संबंधित समय समय पर अच्छे अच्छे वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। और अच्छे अच्छे वीडियोस पाते रहने के लिए आप सब्सक्राइब के साथ में ही बेल आइकन को भी दबा सकते हैं, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले उसका एक नोटिफिकेशन मिले, जिससे आप उस वीडियो को सबसे पहले देख पाएं। दोस्तों, आप जैसा कि देख रहे हैं, यहाँ पर साफ साफ नज़र आ रहा है जो मेन पॉइंट्स हैं, जो हेडिंग्स हैं मैंने ब्लैक पेन से लिखी हैं, और उसके अलावा जो पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर अलग से अंकित करके लिखे गए हैं। दोस्तों, ऐसे ही आप अपने असाइनमेंट्स भी कंप्लीट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको अगर समझ में आ रहा है तो आप यहाँ से वीडियो डाउनलोड करके और अपने सत्रीय कार्य को
काफ़ी आसानी से कॉपी करके लिख सकते हैं। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक और बात बता देना चाहूँगा, आप इनके असाइनमेंट्स के लिए मुझे मेरे ईमेल पर ऑर्डर करके इन्हें खरीद सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा कुछ भी आपके पास में इस वीडियो से संबंधित कुछ सजेशंस हों तो मैं उनका स्वागत करता हूं, और मैं आपसे इस चीज़ का वादा करता हूं कि मैं आपके ईमेल्स और कमेंट्स का ज़रूर रिप्लाई करूंगा। दोस्तों यहां पर फ्री एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए मैं ये काम कर रहा हूं। आपको अगर मेरी ये मेहनत पसंद आए तो ज़रूर मुझे हौसला अफजाई के लिए एटलीस्ट थैंक यू लिखना ना भूलें। आशा करता हूं कि मुझे यहां पर काफ़ी लाइक्स मिलेंगे इस वीडियो के लिए। दोस्तों उसके अलावा कुछ कहीं पे त्रुटि नज़र आ रही हो तो आप मुझे बताना ना भूलें, ताकि मैं उसे भी कमेंट बॉक्स में लिख सकूं, जिससे कि बाकी के विद्यार्थियों के लिए परेशानी ना हो। दोस्तों आपको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते हुए आप अपना असाइनमेंट लिख सकते हैं। कोशिश करता हूं मैं आपसे इस वीडियो के अंत में मिलने के लिए। बाकी फिर भी मैं आपको यहां फिर से बोलना चाहूंगा कि प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और कोशिश कीजिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, ताकि आपको समझ में आए कि मैंने कौन कौन से प्रश्नों के उत्तर लिखे हैं, और आप उसी प्रकार खुद से चाहें तो उसके अलावा किसी भी प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। दोस्तों यह है एक फॉर्मेट है जिस प्रकार आपको अपने प्रश्नों के उत्तर लिखने होंगे। आप चाहें तो किसी दूसरे प्रश्नों के भी उत्तर लिख सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने ही लिखे हैं आप उसी प्रकार लिखें, और ऐसा भी नहीं है कि आप इन्हें लिखेंगे तो आपको मार्क्स कम मिलेंगे, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ये काफ़ी हाई स्टैंडर्ड का लिखा गया है यहाँ पर। चलो दोस्तों आपको ज़्यादा परेशान कर रहा हूँ, मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।
दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल में। आप अभी सत्रीय कार्य की उत्तर पुस्तिका के आखिरी प्रश्न पर हैं, पेज नंबर 21। दोस्तों अब अभी तक आपने ये वीडियो पूरी देख ली होगी, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको ये मेरी मेहनत पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आपके जितने भी दोस्त इग्नो से एमए कर रहे हैं आप उनके साथ में ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकें। दोस्तों अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल टिप्स गुरु एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट एजुकेशनल टिप्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू, बाय बाय।